पांच ऐसे 5G फोन बताता हूँ जो कि 10,000 रुपए के अंदर ही आ जाते हैं और ये काफी ज्यादा मस्त भी है। सबसे पहले सैमसंग का गैलेक्सी F14 5G। इस फोन में आपको 90 के रिफ्रेश रेट के साथ LCD का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और साथ ही इसमें 6000 mAh बैटरी के साथ 25 वाट का चार्जर भी दिया गया है। सेकेंड है लावा का Blaze 2 5G। इसमें भी आपको 90 के रिफ्रेश रेट के साथ LCD का ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा और इसमें 50 MP के कैमरे के साथ Dimensity 6020 का प्रोसेसर दिया गया है। नंबर 3 पे है रेडमी का 13C 5G। इसमें भी आपको सभी सेम चीजें देखने को मिलेगी लेकिन इसमें 5000 mAh बैटरी के साथ 18 वाट का चार्जर दिया गया है। नंबर 4 पे है पोको का M6 Pro 5G। इसमें भी बाकी चीजें सेम है लेकिन इसमें स्नैपड्रैगन 4 का जेन 2 का प्रोसेसर दिया गया है और साथ ही इसमें आपको 5000 mAh बैटरी के साथ 22 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। नंबर 5 पे है इन्फिनिक्स का होट 40i। इसमें भी आपको 90 के रिफ्रेश रेट के साथ HD+ LCD का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और तो और इसके बैक में 50 MP का कैमरा और फ्रंट में 32 MP का कैमरा दिया गया है और बाकी चीजें आपको सेम ही देखने को मिलेगा।